तो यही सोच रहा था कि मेरी भाभी माँ अपने जीवन से उब कर कहीं आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि मेरी भाभी माँ अभी दुनिया में जिंदा है और भाभी माँ के पेट में जो बच्चा था वो जन्म ले लिया है। आप दूध के लिए आए हैं तो बाबूजी आप मदनपुर गए, भैया का बहुत पता लगाए, भैया को कुछ पता नहीं चला, इसलिए आपको विश्वास हो गया कि भैया इस दुनिया में नहीं है। भैया मर चुके हैं। नहीं बाबूजी, भैया मरे नहीं है बाबूजी, भैया जिंदा है बाबूजी। कहाँ मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा है, लेकिन कहाँ है मेरा बेटा तुम भी? हाँ बाबूजी, भैया से मेरी मुलाकात हो चुकी है और हम दोनों प्राणी के लिए रोटी के लिए गए हैं। आप बैठिए, भैया आते होंगे, आप भैया से मिल के फिर दूध लेके जाना बाबूजी। अच्छा बेटा, मैं अपने बेटे कुलदीप से मिलकर तब दूध लेकर जाऊंगा, मैं भेजता हूँ। बैठिए बाबू जी। लेकिन भैया सबसे पहले रोटी दीजिए, हम दोनों प्राणी भूखे हैं भैया। मुन्ना संदीप, यही तो बात है मुन्ना कि मैं तुम्हारे लोग के लिए रोटी के लिए गया और जैसे कुछ दूर गया ये जो साथ में औरत आई है इसका बच्चा भंवर से छीन ले गया और ये चिल्ला रही थी इसलिए मुन्ना मैं रोटी नहीं ला सका। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि आप बाबूजी बैठे हुए हैं। हाँ भैया, बाबूजी यहाँ शिव जी के मंदिर पे दूध के लिए आए थे, मैं बाबूजी को यहाँ पर रोक रखा हूँ भैया, आप बाबूजी से मिल लीजिए भैया। बाबूजी उठिए ना बाबूजी, और देखिए मुझे और कौन पहचानिए आप, मैं आपका बेटा कुलदीप, एक बार अपने गले से लगा लो बाबू। लेकिन तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो, अरे तुम तो मेरा बेटा तो एक साधारण नेक इंसान था, अरे तुम तो डाकू हो डाकू, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो। पिताजी मुझे इस बेस में देख करके पहचान नहीं रहे, कह रहे तू मेरा बेटा कुलदीप नहीं है, तू तो एक डाकू है, तू मुझे धोखा दे रहा है। नहीं बाबूजी, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं आपका बेटा कुलदीप हूँ। यदि आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो उस दिन की बात याद करिए, आपके पास जब फोन आया था कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और आग बुझाने के लिए आप पवन सिंह को भेज रहे थे, पवन सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं था, आप मुझे बुला करके कहा कि पवन सिंह के साथ चले जाओ और आग बुझा के चले आओ। बाबूजी जानते हो वो जब साथ में निभा के गया तो फटक पूर्णिमा के नहीं गया बल्कि रास्ते में गाड़ी को रोक दिया और गंगा बह रही थी, कहने लगा कि कुलदीप बाबू एक बार थोड़ा गंगा को नजर उठा के देख लो। मैंने कहा अरे भंवर सिंह वहां कागज मिल जल रही है और तू मुझे गंगा की लहर दिखा रहा है, मुझे दर्शन नहीं करना है। इतने में बाबू जी जब उसके कहने पर मैं गंगा की तरफ नजर उठाया वो हरा दादा निकाला चाकू मेरे पेट में चाकू मार दिया। इतना ही नहीं, चाकू मारने के बाद अपने पैरों से मुझे ठोकर लगाया, मैं जाके दरिया में गिर गया, उसी में तड़प रहा था। ये जो संदीप के साथ में लड़की है इसका नाम सुषमा है, ये उसी रास्ते से जा रही थी बाबूजी, मुझे तड़पता देखा तो मुझे बहाल किया, क्योंकि आज इस दुनिया में चिंता हो रही तो मर गया था बाबू जी। क्या आपको विश्वास नहीं कि मैं आपका बेटा कुलदीप, एक बार सीमित Thank you.
तो आपसे मिल गए, लेकिन अब आप बहुत जल्दी दूध लेके जाओ, नहीं तो मेरा भतीजा मर जाएगा बाबूजी। दूध? हाँ भैया, बाबूजी दूध ले लिए आए हैं यहाँ पर। किया भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कुलदेव के साथ में कमला, लेकिन इसकी गोद में बच्चा भी नहीं है। संदीप, आप किसके लिए मैं दूध लेकर जाऊंगा? अरे जिसके लिए तो मैं दूध लेकर जाता, आज कुलदीप के साथ में जो आई है औरत, अरे यही तेरी भाभी कमला, यही तेरी भाभी कमला है। आपका देवर मिल गया है, अरे मैं अपने भतीजे को बचा लूंगा, लेकिन भाभी माँ मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। अरे जिस भैया के याद में तो दिन रात रोती रही, पागल हो गई भतीजी, पागल हो गई। ओ भैया मरे नहीं है भाभी, भैया अभी जिंदा है। नहीं है बल्कि मेरे बड़े भैया आपके पति। मालिक, मैं ही इसे अपने साथ लिवा के आया, लेकिन इसके हालात को देख करके मैं स्वयं नहीं पहचान सका। यह तो पिताजी के बताने पर मालूम हो रहा है कि मेरी धर्म पत्नी कमला है। हाँ कमला, अभी जो संदीप तुझसे कह रहा था, सचमुच मैं तेरा पति कुलदीप हूँ। मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन तेरे हालात को देख करके मैं तुझे पहचान नहीं पाया। कमला मैं तेरा पति कुलदीप हूँ। स्वामी अपना बेटा, अपने बच्चे को बचा लो, नहीं तो मार डालेगा मेरा मुन्ना भाई, मेरा मुन्ना। कमला चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे मिल गया हूँ, बाबूजी मिल गए, मेरा भाई मिल गया है, और वो अब तेरे बच्चे को अगर छीन के ले गया है तो हर जगह भारत तेरे बच्चे को कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि आज मेरे हाथों से मौत के खात उतारा जाएगा। संदीप ऐसा करो, सब परिवारों और साथ में, और आओ मेरे साथ चलकर देखते हैं कि भाव सिंह जाकर कहा है सारा। चलिए बाबूजी। अरे कर्मावती बाहर जाओ, गाओ आज इस बच्चे का बलिदान इस काबिज के लिए ऊपर करना है। बाहर जाओ, फोन करो फोन। चाय बना रहे हैं, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, बहुत जल्द तैयारी बनाओ, इस बच्चे का बलिदान तुम्हें अपने हाथों करना है, तैयार हो जाओ। नंबर 1
आज सुल्तानी तेरी सब होगी खत्म, मौत सर पर आज मरना। भाव सिंह नजर उठा के देख तेरे सामने कौन खड़ा है। बार फौजदार यही तो मैं जानना चाहता हूँ, तो भौकान अब तुझसे हमारी दुश्मनी क्या है? ये दुनिया मुझे अच्छी तरह से जानती है, तू कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि तू कौन है। तेरे सामने कोई दूसरा नहीं बल्कि डाकू पीरा सिंह खड़ा है, और आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा डाकू पीरा सिंह? लेकिन डाकू पीरा सिंह से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? पुरानी दुश्मनी है। वीरा सिंह का नाम सुना तो कह रहा है कि वीरा सिंह से हमारी क्या दुश्मनी है? अरे हराम जाने वीरा सिंह की दुश्मनी नहीं है। तो ये बता, कुलदीप को जानता है? कुलदीप को जानता है कि नहीं? कुलदीप से तेरी दुश्मनी है कि नहीं? हरामजादे मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, और तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। चल जाने दो, मैं लगता है कि खबर उड़ा दूंगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आज पूरा परिवार एक साथ मिल गया। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भंडारी लाल कहाँ गया है? भंडारी चल, आज तुझको भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सलाम कर दूंगा। चल उधर क्या कर रहा है बाबू साहब? हम जाना चाहे कि तू हमका गोली मारबई न कर। अरे तुझे क्यों नहीं मारूंगा? मारी ना सकते। अरे क्यों नहीं मारूंगा? तो हाँ भोड़ा ही न दबे। क्यों नहीं दबेगा? यहाँ नाची बाबू साहब की पूरा इलाका जाना कहा कि हम तो तुम्हारा आदमी है। तो मेरा आदमी, मैं तेरी मेहर हूँ। आराम खोर, आप उसको मेरे छोड़ूंगा। चल रहा मिला उधर देख, मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा है, लंदन से मंगवाया हूँ। आज तुम सबको समाप्त करने के बाद अपनी कर्मावती को लेकर लंदन निकल जाऊंगा। बाबू साहब हमारे के हेलीकॉप्टर में लटकाए के लिए चला, तो उसको बैठने की जगह कोई नहीं, उसमें लटकाए के लिए चला। लटकेगा कैसे? यह नाटे बाबू साहब के हमका ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ा था। तो लटकेगा कैसे? ऐसे लटका ले जैसे इंडिया श्रीलंका का लटका। इंडिया श्रीलंका में लटका है, वैसे लटकना चाहता है तो मैं एक साथ सबको लटकाए दे रहा हूँ। चल चल मिला लड़की। सबसे पहले ये बता तू कौन है और तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? अरे कमीने कुत्ते, तू मेरा नाम, तू मेरा नाम जानेगा तो तुझे पसीने आ जाएंगे पसीने। अरे हरामी, मैं वही तेरी भतीजी, मेरा नाम सुषमा है। क्या कहा? तू मेरे बड़े भाई की बेटी सुषमा है? अरे उस वक्त मैं तुझे भी ढूंढ रहा था, मिल जाती तो मैं तुझे भी गोली मार देता, लेकिन मेरे डर से तू घर छोड़कर भाग निकली। जानना चाहता तू जिंदा कैसे रह गई रे? अरे कमीने, मैं तो बच गई लेकिन तू नहीं बचेगा, चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ बहू सुषमा, पहले इस वफादार मैनेजर से मैं मिलूंगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें आदेश दूंगा। क्यों बे हरामखोर कुत्ते साले, गीदर की औलाद, एक मालिक के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करने साले, तुमने मेरा परिवार बर्बाद किया, मेरे बच्चों को दर दर की ठोकर खिला, और कर्मावती को अपने प्यार की जाल में फंसा कर साले तिजोरी का ताला लूट कर साले फरार हो गया। कमीने, तुम मेरे चारों मील का मालिक बनना चाहता था कुत्ते कमीने साले, आज तो साले मैं तुम्हें चारों मील का मालिक बना दूंगा। हराम खोर साले, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए।
गा के मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जो दूसरे के दौलत के चक्कर में पड़ गया उसका उजड़ा घर देखो। हमने साले दूसरे के दौलत लेकर साले अरबपति बनना चाहता था कुत्ते साले, आज तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो मेरे चारों मील का मालिक नहीं बन पाया, लेकिन आज मैं क्या सुन रहा हूं, साले तो अपनी भतीजी को गोली मारने जा रहा था, अपने भाई को गोली मार दिया धन धन के लालच में हरामखोर, लेकिन आज यही तेरी भतीजी अपने किस्मत से बच गई और कमीने साले मेरे चारों मील का मालकिन हो गई, और यही तेरी भतीजी मेरे घर की बहू बनकर आई है। कमीने साले तेरी जायदाद की मालकिन बनेगी और अपने पिताजी की भी जायदाद की मालकिन बनेगी। साले तू इस दुनिया में जिंदा कहां रहेगा कमीने साले? कहा गया कि घर का गरीब होना चाहिए लेकिन गली का गलीच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझता है, घर का गरीब इंसान दिन भर मजदूरी करता है, शाम को अपने घर खाता है। जिस गली से गुजरता है लोग कहते हैं बेचारा गरीब है, माँ बहन गाली नहीं पाती, और सारे दूसरे की दौलत लौट कर सारे गली का गलीच का मतलब सारे जिस गली से गुजरे हुए लोग सारे गाली देंगे, मुंह पर नहीं गाली देंगे, पीठ पीछे गाली देंगे कि साला दूसरे की दौलत लौट कर साला अरबपति बन गया है। कुत्ते साले कमीने, आज मैं तुम्हें चारों मील का मालिक बना दूंगा कुत्ते साले। अरे शेर जी, ये सब तो मैं मजाक कर रहा था। हाँ मजाक कर रहा था ये सब। अरे मजाक कर रहे थे कमीने साले कुत्ते, आज थोड़ा मैं भी मजाक कर लूं, मैं तुम्हें चारों मील का मालिक। ए मत कहो बुजुर्ग तो हेरावा चल आवा आवा सारा कार नामक तोहरैया, अगर तू अगर ठीक ठाक होती सही होती हो कि कमीना साला कुत्ता हमारे घर में कैसे घुसत, बोल जल्दी। ए संदीप के पापा, संदीप के पापा बोला का घूंघट काहे है हमारे समनवा, हम के ही तोहार मोछा हम ही यही। अच्छा अच्छा स्वामी जानत बेटा कि कितनी बड़ी सती अनसुईया हम बार बहुत बहुत हम सती अनसुईया पूरा जिला भर में लाल टेन जलाए घेरबो तबो न पूरा उत्तर प्रदेश बन मिली है। स्वामी पहले बने तो का खियाए दिए त्री जो तुहार झूठ मीठ बचे हुए हम खाते। अरे पति बरसा रहे ना, पति बरसा रहे कि हमार बुढ़ाई आएगे, हमार बुढ़ाई आएगे संदीप के पापा आज तक हमार के मुंह ना देखे। नहीं नहीं मुंह तो तुहार क्यों नहीं देखे, और तुहार सब कुछ देख ले। कैसे बोला पगलान जाते थे सठियान जाते खाए हुए का छोड़े रहू घर में जाऊ खाब तिजोरी के ताला तोड़ के लूट पाट के और एक कुत्ता सारे के लेकर फरार हो गये, इत जना फंस गये जाल में तू नहीं तो निकल गई होती हूँ। तो हमसे बढ़िया है काए? नहीं हमसे बढ़िया कहाँ है, हमारे हमका तो खूब खेलती रही हूँ, हमारे लड़कियों को तू इतना मानत रहे हमारे बेटवा पतोहू का कि जैसे बिलार एक मूसे का मान आई तरह मानी हूँ। अरे हमारे लड़का बच्चा नाय बहन चार के नाय पापा के हमारा दूसरा लड़का खुदाई भगवान खुदाई रहे चला रहा है हम का इस भाषण देख चला है तो हम चोरों नील कमा।